फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो सारी हॉल। और पता है मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है मीशो से और वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो सोच आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे हाथ दुख रहे, मैं इनको नीचे रख देती हूँ वरना गिर जाएंगे। तो सिर्फ 1000 रुपीज़ में इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने, आपको सारी आपको दिखाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रही है और ये सभी चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं आपको भी खरीदनी है तो सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर मेरे लिंक से आप बाय करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने फर्स्ट साड़ी मंगवाई है वो 260 रुपीज़ की आप यहाँ देख सकते हैं, जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। ये सब मैंने मीशो से मंगवाया है, सभी के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट साड़ी जो मैंने पहन रखी है, ये बिल्कुल प्योर जॉर्जेट फैब्रिक में आपको मिलती है और साथ में मिलता है आपको इसका ये सेमी ब्रॉकेट का ब्लाउज पीस जो 80 सेंटीमीटर का है और इसे आप स्टिच करवाएंगे, लाइनिंग के लगेगी इसमें, स्टिच करवाना पड़ेगा आपको अपने अकॉर्डिंग। मैंने अभी अपने घर से क्रॉप टॉप के साथ इसको पहना है और ये आपको ना प्योर जॉर्जेट फैब्रिक में मिल जाती है ये साड़ी, जो काफ़ी फ्लोई फैब्रिक है। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लोई, बहुत ही सुंदर फैब्रिक होता है, काफ़ी क्लासी रिच लुक देता है ये। आजकल फैब्रिक बहुत इन है, उस टाइप पैटर्न ना काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वाइब्स देता है आपको। और आजकल ना सेलेब्स भी इसी तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे से प्रिंटेड सारीज पैटर्न्स पहन रहे हैं, सेलेब्स भी स्टाइल कर रहे हैं। मैं आपको फोटो डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। तो इस तरीके की साड़ी आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं अपने ऑफिस में या फिर अपने छोटे मोटे घर में जो पूजा फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें भी आप कैरी कर सकते हैं। काफ़ी स्टाइलो लगते हैं इन चीज़ों में और इसके साथ थोड़ा सा एक्सेसराइज कीजिए इस तरीके की प्लेन बैंगल्स साड़ीज़ के साथ, प्रिंटेड साड़ीज़ के साथ काफ़ी ऑसम लगती हैं। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ये एक काफ़ी फेब्युलस साड़ी है और जस्ट 260 रुपीज़ में है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये एक चंदेरी कॉटन की फ्लॉलेस येलो कलर की साड़ी, जो बहुत ही पॉपिंग कलर है ना, पॉपअप कलर है येलो, बहुत ही सुंदर साड़ी है। पूरा साड़ी का लुक देखिए आप, बहुत ही अमेजिंग साड़ी लगी मुझे ये। और इसका कॉटन, चंदेरी कॉटन फैब्रिक है तो बहुत ही सूदिंग फैब्रिक है, बहुत ही एक रिच क्लासी लुक ये आपको दे रहा है। साथ में आपको मिल जाता है इसी सेम फैब्रिक का ब्लाउज पीस जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं। मैंने अभी इसे गोल्डन ब्लाउज के साथ पहना है, रेडी टू वेयर वाला ब्लाउज था ये मेरे पास। और ये इस तरीके की साड़ी ना एक रिच क्लासी लुक डेवलप करती है जिसे आप कहीं भी और कभी भी स्टाइल कर सकते हैं। इसको स्टाइल करने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, इसे कभी भी कहीं भी स्टाइल कीजिए। 5.5 मीटर की साड़ी है तो बहुत ही लेंथी साड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको स्टाइल करने में। साथ में 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज आपको मिल रहा है और इस तरह की फ्लॉलेस साड़ी इस रेंज में ये सिर्फ 250 रुपीज़ की साड़ी है, तो बहुत ही फ्लॉलेस साड़ी है, बहुत ही अमेजिंग। और प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साड़ी आपको कैसी पसंद आई। ये सभी साड़ियों के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। मुंडियां नू पागल कर दिया जिस हिसाब न चल दिया, ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब न हंस दिया, कुड़ी दा पता करो पता करो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये बहुत ही सुंदर शाइनी लाइक्रा फैब्रिक की साड़ी, जो बहुत ही कंफर्टेबल है, इतना लाइट वेट फैब्रिक है कि मुझे बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पहना है। इस तरीके का फैब्रिक आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस में या कहीं भी गेट टुगेदर में आप इसको पहन सकते हैं, घर पे भी पूजा फंक्शन आगे आ रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, कहीं भी आप इसको ईजिली स्टाइल कर सकते हैं। एक बस थोड़ा सा पॉइंट है, लाइक्रा में हम सबको पता है जो बैक साइड ऑफ लाइक्रा होती है वो थोड़ी सी प्लेन होती है, स्टडी होती है, बट ये एक सॉलिड साड़ी लुक है तो उसके साथ वो जा रही है बिल्कुल इजीली। बट ये इतनी फ्लॉलेस और इतनी हल्की है तो मुझे तो बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि मैंने इसको पहन रखा है। और लुक आप आउटलुक देख सकते हैं, इस तरीके की लाइक्रा फैब्रिक की साड़ीज ना आजकल ना सेलेब्स भी बहुत ज्यादा स्टाइल कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज ने ना इतनी सारे अलग अलग कलर्स में, और मीशो पे भी ना ये बहुत सारे 5 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, तो आप अपने कलर चॉइस के साथ जा सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत ऑसम लगा था तो मैंने ये चूज किया और ये जस्ट
जस्ट 344 रुपीज में आपको मिल रही है। और इस तरीके का ना शाइनी ब्लाउज पीस आपको साथ में मिलता है 80 सेंटीमीटर का। ये 5.5 मीटर की है तो एनएफ लेंथ है, और 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज मिलता है जो आप अपने स्टाइल से स्टिच करवा सकते हैं। और मैंने काफी मैच करते हुए ब्लाउज के साथ इसको स्टाइल करके दिखाया सो देट कि आपको एग्जैक्टली लुक पता चल जाए साड़ी की। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको साड़ीज कैसी लगी। सभी साड़ीज का मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कोई अलग स्टाइलिंग टिप्स वाली वीडियो चाहिए हो, या फिर मैं एक सोच रही हूँ कि एक रेडी फॉर पार्टी या रेडी फॉर फंक्शन जस्ट इन 5 मिनट्स वाली वीडियो बनाए, तो उस तरीके की अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए साड़ी को किस तरीके की लग रही है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये देखिए, और बहुत ही फ्लोलेस है, कैरी करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर्स बहुत अच्छे हैं और फैब्रिक इतना सूदिंग इतना स्टाइलिश है कि आपके लुक में एकदम एनहेंस लुक देता है, आपको बहुत ही स्टाइलिश एक ऐड करता है वाइब आपके अंदर, बहुत ही अमेजिंग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये साड़ी, ये एक लाइक्रा फैब्रिक की पार्टी वेयर साड़ी है जो बहुत ही ऑसम लगी, मुझे बहुत पसंद आई, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। इसके साथ आपको मिल जाता है ये एक वेलवेट फैब्रिक का ऐसे सीक्वेंस वर्क वाला ब्लाउज पीस जो आपको पूरा स्टिच करवाना पड़ेगा। ये देख लीजिए पूरा पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ आप इसकी लुक देखिए, जब साड़ी को आप इसके साथ कैरी करेंगे ना तो इसके ग्रीन कलर की सीक्वेंस और ये वेलवेट लुक बहुत ही अमेजिंग आ जाने वाली है। और ये एक पार्टी वेयर साड़ी है। अगेन साड़ी की बात कर लेते हैं, ये लाइक्रा फैब्रिक से है तो बहुत ही ऑसम फैब्रिक होता है, सूदिंग फैब्रिक होता है। इस तरीके का आपको इसका रफल डिज़ाइन मिल रहा है जो बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा है साड़ी को। ये देखिए साथ में आपको यहाँ पे भी जो ब्लाउज वाला पीस है उसी तरीके का कुछ लेस वर्क मिल रहा है जो इसको काफ़ी बहुत ही पार्टी रेडी बहुत ही स्टाइलिश से लुक दे रहा है। ये देखिए ये रफल डिज़ाइन थ्रू आउट द साड़ी है, नीचे भी आप देख सकते हैं पूरा बॉर्डर पे बहुत ही अच्छे से रफल डिज़ाइन पूरी साड़ी पर किया गया है जो बहुत ही अमेजिंग है। और ये रेडी टू वेयर लिखा हुआ था पैकेट पे, तो यहाँ वाली जो ये प्लेट्स है ना मैंने खुद ही डाली हैं, ये मुझे नहीं मिली, रेडी टू वेयर लिखा हुआ था, बट रेडी टू वेयर का मतलब यहाँ मुझे समझ में आया इस तरीके की ये प्लेटिंग्स आपको मिल जाती हैं जो आपको खुद से नहीं करनी पड़ेंगी, इस तरीके की ऑलरेडी प्लेटेड आपको ये मिल रही है जो सीधा आपको यहाँ सेट करनी है एंड देन यू आर रेडी फॉर द पार्टी। और ये मैं यहाँ शूट कर रही हूँ रूम में, उसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन लुक दे रही है। अगर आप इसे पार्टी में पहन के जाएंगे, अच्छे से एक्सेसराइज करेंगे, कुछ अच्छा सा पहनेंगे, वहाँ लाइटिंग्स वगैरह होंगी, तो एक काफ़ी अच्छा आपको एक एनहेंस लुक देने वाली है। और ये साड़ी की लेंथ आपको मिल जाती है 5.5 मीटर, साथ में आपको 80 सेंटीमीटर का इतना प्यारा पार्टी रेडी वाला ब्लाउज मिल जाता है जिसको आप अच्छे से स्टिच करवाइए अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये जस्ट 396 रुपीस में आपको मिल रही है, तो एक 396 रुपीस में इतना अच्छा कॉम्बो आपको मिल रहा है, इतना अच्छा स्टाइलिश साड़ी मिल रही है, तो मेरी तरफ से बिल्कुल डेफिनेटली एक नाइस वाला पीस है ये, तो डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। और फ्रेंड्स आप इसी तरीके के अमेजिंग प्रोडक्ट्स की मेरी रिव्यू वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं। और इस साड़ी का भी ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये साड़ी कैसी लगी, मुझे बहुत ही ऑसम लगी, आप ज़रूर अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये प्योर पॉली नायलॉन की नेट की साड़ी जिसमें ये स्प्रिंकल वर्क रबर वर्क हो रखा है, आप क्लोज देख सकते हैं ये स्प्रिंकल रबर वर्क है जो ना साइट पे मीशो पे जब मैंने देखा ना तो ये मुझे सिल्वर कलर का नज़र आ रहा था बट ये वाइट कलर का निकला है। जब मैंने इसको खोल के देखा, ये मुझे रिसीव हुई और मैंने इसे खोला तो ये वाइट कलर का निकला है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया साइट पे। ये स्पार्कलिंग सी शाइनी सी शिमरी सी काइंड ऑफ लुक लग रही थी इसकी, मैं फोटो डालूंगी वाली आप देख सकते हैं, उसमें ये काफी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी वेयर साड़ी है, तो कुछ हटके लगा मुझे, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको मंगवाया बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस तरीके का सेम इसके साथ फैब्रिक मिला है ब्लाउज पीस का, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये इस तरीके का रबर वर्क है और ये ना बिल्कुल व्हाइट रबर वर्क है,
ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है, सिल्वर कलर का बिल्कुल भी नहीं है, शाइनी बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे साड़ी की लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हो सकता है ब्लाउज के साथ अगर इसे पेयर करते हैं तो मे बी कुछ लुक आ जाए, बट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। मैंने इसको अपने एक व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया सो दैट, क्योंकि इसमें ये व्हाइट कलर का रबर प्रिंट था तो मैंने सोचा इसके साथ, बट ये इसके साथ भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। नेट है तो सब कुछ सी थ्रू है, तो मुझे ये भी बिल्कुल ये भी नहीं जच रहा है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और ये सारी ना 300 रुपीज़ के आसपास है, तो मुझे इसका रेट के अकॉर्डिंग इसमें मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया है बिल्कुल भी, तो आप मैं इसको आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी फ्रेंड्स, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसको टोटली नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये सभी साड़ीज, और इन सभी साड़ीज की ना अनबॉक्सिंग भी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी, तो जरूर देखिए शॉर्ट वीडियो भी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ एक और अमेजिंग सी और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।